आपके पास पैसा है, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, परंतु आप कंफ्यूज हैं कि आप प्लॉट खरीदें, फ्लैट खरीदें या रॉ हाउसेस। जी हाँ, आज मैं आपका कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है। जी हाँ, इस वीडियो में जो कंटेंट मैंने लाया है ये कुछ हटके है। ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं अमित राउत, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पे आपका 11 स्क्वायर फीट के चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपका समय वेस्ट न करते हुए सीधा मैं ले चलता हूँ मेरे स्क्रीन पे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे 11 स्क्वायर फीट चैनल को और साथ ही साथ दबाइए बेल की आइकॉन को, ताकि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। आज दोस्तों, मैं जो आपको प्लॉट के बारे में बताने वाला हूँ, जो फ्लैट के बारे में बताने वाला हूँ, जो रोहसेस के बारे में बताने वाला हूँ, वो उन नए एरिया के बारे में, जैसे कि नागपुर में बेसा, बेलतरोड़ी, घुगली, शंकरपुर, अगर कोराड़ी रोड पे हम लोग बात करें तो झिंगापाई, डाकड़ी, गोधनी, ऐसे जो नए एरिया भी डेवलप होके आ रहे और जो काफ़ी लोगों को पसंद देता है, ऐसे एरिया के प्लॉट, फ्लैट और रोहसेस का मैं डिफ्रेंशिएट करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेट। ऐसी जगह आप प्लॉट लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको 2000 से 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक प्लॉट मिल सकता है। अगर हम लोग फ्लैट की बात करें तो वहाँ पे 3000 से 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट के फ्लैट मिल सकते हैं। और रोहसेस की हम लोग बात करें तो 3300 से 3500 रुपये रेट तक को आपको रोहसेस मिल सकते हैं। अगर हम लोग प्लॉट का एरिया का बात करें तो प्लॉट आपको 1000 स्क्वायर फीट के आसपास का एक ग्रुप धर के चलते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लैट और टाउनशिप की हम लोग बात करें तो उस पर जो प्लॉट एरिया मिलने वाला है वो एज पर DOD में मेंशन होता है। रोहसेस की हम लोग बात करें तो लगभग 1100 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट एरिया अप्रोक्सीमेटली पकड़ के चलते हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे लगभग 1500 स्क्वायर फीट यानी 1.5 के FSI के हिसाब से बना सकते हो। फ्लैट की अगर हम लोग बात करें तो 1000 से 1100 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का एरिया आपको मिल सकता है। रोहसेस की हम लोग बात करें तो 1500 से 1600 स्क्वायर फीट तक एरिया मिल सकता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट की हम लोग बात करें तो 1500 स्क्वायर फीट का अगर प्लॉट पे घर बनाना हो तो लगभग 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली हम लोग अच्छे क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पकड़ के चलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आपको लगभग 2250000 रुपये तक जा सकती है। फ्लैट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपके प्राइस में इंक्लूडिंग होने वाली है, रोहसेस के भी प्राइस में वो प्राइस आपकी इंक्लूडिंग रहेगी। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन की भी अगर हम लोग बात करते हैं, अभी के दिनों में लॉकडाउन की वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हुई है। जो कंस्ट्रक्शन की एक सीमेंट की बोरी आप इंडिविजुअल जब घर बनाते हो तो आपको 340 रुपये में मिलती है, वही बिल्डर्स को RC में सीमेंट खरीदते वक्त 310-320 रुपये तक मिल सकती है। आप स्वयं जब घर बनाने जाते हो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगती है। हम लोग अभी लोकेलिटी की बात करते हैं। अगर यदि आप सिर्फ प्लॉट खरीदते हैं तो नॉट श्योर कि आपको अच्छी लोकेलिटी मिलेगी या नहीं, लेकिन आप फ्लैट खरीदते हो तो यह श्योर है कि आपको अच्छी लोकेलिटी मिलेगी। एक अगर 10 फ्लैट में एक दो अगर कम ज़्यादा रहा भी तो भी फ्लैट में कोई माइंड नहीं करता। इसके अलावा रोहसेस की अगर हम लोग बात करें तो यह 100% श्योरिटी है कि आपको एक अच्छी लोकेलिटी मिलेगी, बिकॉज एक अच्छा बजट लेके अच्छी फैमिली आ सकती है। प्राइस की हम लोग बात करें तो प्लॉट लेने से कंस्ट्रक्शन करने तक जो टोटल कॉस्टिंग जाएंगे इट विल बी नियर अबाउट 47,50,000 रुपीज। फ्लैट आपको उतना ही एरिया का 35 लाख रुपए में मिल जाएगा और रोहसेस की हम लोग बात करें तो 55 से 60 लाख रुपए के रेंज में आपको रोहसेस मिल सकता है। अगर हम लोग EMI की बात करें तो प्लॉट में EMI 40 से 45,000 रुपये तक जा सकती है, क्योंकि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और 35 लाख रुपए के फ्लैट के पीछे की EMI लगभग 28 से 30,000 रुपये तक, और कोई रोहसेस अगर आप लेते हो तो उसकी EMI 40 से 50,000 रुपये तक हो सकती है। अदर टैक्सेस, जी हाँ, प्लॉट, फ्लैट और रोहसेस तीनों में भी आपको टैक्स लगने वाले हैं। बैंक का इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें एज कम्पेयर टू फ्लैट और रोहसेस, प्लॉट के बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? जी हाँ, प्लॉट में आपको खुद को ही कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या थर्ड पार्टी किसी ठेकेदार से आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। फ्लैट और रोहसेस में आपको बिल्डर द्वारा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, आपका काफ़ी हद तक समय उसमें बच जाएगा। साइड मार्जिन की अगर हम लोग बात करें तो प्लॉट में साइड मार्जिन छोड़ना पड़ता है, इसके वजह से कंस्ट्रक्शन के लिए एरिया आपको कम मिलता है।
फ्लैट में रिक्वायर नहीं है और रो हाउसेस में साइड मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड से कॉमन वॉल होती है। अगर रेंटल इनकम की हम बात करें, प्लॉट में रेयर चांसेस है कि आपको एक रेंटल इनकम आए, फ्लैट में 100% चांसेस है कि आपको रेंटल इनकम आएगी और रो हाउसेस में भी आपको रेंटल इनकम आएगी ही आएगी क्योंकि रो हाउसेस अभी डिमांडिंग पे है। इसके अलावा रिटर्न्स की हम लोग बात करें तो प्लॉट में ठीक ठाक रिटर्न्स आपको आ सकते हैं, फ्लैट में काफ़ी हद तक अच्छे रिटर्न्स आते हैं बशर्ते आप फ्लैट जब अंडर कंस्ट्रक्शन हो तभी आप खरीदो, रो हाउसेस में काफ़ी हद तक बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने वाले हैं और इसको खरीदार भी काफ़ी आपको मिल सकते हैं। अगर हम लोग लग्जरीनेस की बात करें तो प्लॉट में काफ़ी कम चांसेस है कि आपको एक लग्जरियस फील मिले, फ्लैट में 50-50% के चांसेस है कि आपको लग्जरीनेस मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। इसके अलावा रो हाउसेस में आपको एक लग्जरीनेस 100% मिलने के चांसेस होते हैं। अगर हम लोग सेफ्टी की बात करें तो प्लॉट में बहुत ज़्यादा हद तक सेफ्टी मिलने के चांसेस नहीं है, जहाँ भी आप प्लॉट खरीद रहे वहाँ पे हो सकता है कि एरिया डेवलप ना हो सकता है कि एक प्लॉट दो लोगों को बेचा हो सकता है कि जहाँ प्लॉट आपने खरीदे वहाँ पे किसी और का भी कब्जा हो, लेकिन फ्लैट और रो हाउसेस के मामले में ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ें बिल्डर्स डेवलपर द्वारा डेवलप की जाती है, सिक्योरिटी फुल मिलती है और फिर प्रॉपर्टी में भी आपकी और आपकी प्रॉपर्टी की दोनों की सेफ्टी काफ़ी हद तक मिलती है। इसके अलावा हम लोग फाइनली अगर बात करें कि हमें प्लॉट, फ्लैट या रो हाउसेस इन तीनों में से ऐसी कौन सी चीज़ें जो चुने, तो ये डिपेंड करता है मेरे दोस्तों कि आपका पर्पस कैसा है और आप कितने टाइम के लिए प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग है तो यू कैन गो फॉर प्लॉट। यदि आपके पास एक ईएमआई का इशू है कि मैं इतने 28,000 से 30,000 रुपये के ईएमआई के अंदर ही मैं प्रॉपर्टी खरीदूं, मुझे अभी तुरंत रहने के लिए घर चाहिए, साल डेढ़ साल में मुझे पोजीशन चाहिए, तो यू कैन गो फॉर फ्लैट। यदि आपके पास जल्दी पोजीशन भी चाहिए और एक अच्छा ईएमआई भी आप पेड कर सकते हो, फाइनेंशियली साउंड हो, तो यू कैन गो फॉर द रो हाउसेस, आप उस पर्पस के लिए जा सकते हो। थैंक यू दोस्तों, आपने अंत तक ये मेरा वीडियो देखा। कोई भी प्रॉपर्टी का जब भी आप चयन कीजिए तो दो चीज़ें हमेशा याद रखिए कि आपकी नीड क्या है, आप एक शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हो। सेकंड, आपका पर्पस क्या है, रेसिडेंशियल या इन्वेस्टमेंट। ये दो चीज़ें आपकी फाइनल हो जाती है तभी आप कोई भी प्रॉपर्टी का चुनाव कीजिए दोस्तों। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.11squarefeet.com या हमारा कॉल सेंटर नंबर 8602020211 पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।